लेट द गेम बिगेन फॉर डी बॉस, यानी कि चैलेंजिंग स्टार दर्शन की फिल्म रॉबर्ट बस कुछ ही घंटों में रिलीज होने वाली है, जहां 11th मार्च 2021 विल बी ए हिस्टोरिक डे फॉर कर्नाटका एज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म आफ्टर पोगरू दैट इज रिलीजिंग एट द बॉक्स ऑफिस नॉट ओनली इन कर्नाटका बट ऑल्सो इन तेलुगु सर्किट। इस फिल्म का लेकर जो स्क्रीन काउंट है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, साथ ही ये बताऊंगा कि इस फिल्म को लोग कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कितना चाहते हैं कि फर्स्ट डे का कलेक्शन कितना तक हो सकता है, उसके ऊपर बात करने वाला। सबसे पहले विदाउट ए डिले लेट मी क्लियर आउट अबाउट द स्क्रीन काउंट दैट आई हैव गॉट अप टू राइट नाउ। सबसे पहले ये पता चल रहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई सारी और फिल्में रिलीज हो रही है, जैसे कि जथाई जथारथ नलू 390 को थिएटर्स मिले हैं, इसके अलावा गली संपत को 410 थिएटर्स मिले, 410 श्रीकलम को सबसे ज्यादा थिएटर्स मिले हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 535 थिएटर्स, इसके अलावा रॉबर्ट को तेलुगु सर्किट में 180 थिएटर्स मिले हैं। मैं कहूंगा एक अच्छा खासा थिएटर काउंट है, 180 थिएटर्स इज नॉट लेस, लेट मी टेल यू, अगर फिल्म धमाकेदार चल गई तो ये थिएटर्स काफी है, 180 थिएटर्स है, ठीक है। तो इन तीन फिल्मों से तेलुगु सर्किट में रॉबर्ट को टक्कर मिलने वाली। वहीं बात कर्नाटका की करते तो कोई ऑफिशियल फिगर थिएटर काउंट रिलीज नहीं किया गया, लेकिन 700 प्लस जहां तक बात करें वो स्क्रीन्स है कर्नाटका में, और यहां पर ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 600 के आसपास स्क्रीन्स मिली है रॉबर्ट को। आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट स्क्रीन काउंट, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि 600 प्लस स्क्रीन्स मिली है। और मैं जरा बुक माय शो पर मैं जस्ट अभी का अपडेट देख रहा था, तो सुबह मैंने आपको ये कहा था कि ऑलमोस्ट 60% के आसपास जो है एडवांस बुकिंग हो चुकी है डे वन के, लेकिन अभी जो रिस्पॉन्स है उससे देखकर साफ पता चल रहा है कि सोल्ड आउट हो चुके हैं सुबह के शोज भारी भरकम तरीके से। और सिर्फ बेंगलुरु की अगर बात करें तो बेंगलुरु में ही अकेले 80% प्लस, अभी का बता रहा हूं, अभी का रात तो ही नहीं है, सुबह तक का वक्त भी नहीं है, अभी का बता रहा हूं, और एडवांस बेसिस पे ही अगर 80% एडवांस बुकिंग हो रही, वो भी पूरी तरह कर्नाटका में थिएटर खोले और ये रिस्पॉन्स है, तो लेट मी टेल यू एक बहुत बड़ा कलेक्शन ये फिल्म फर्स्ट डे में करने वाली है। और अगर जहां तक मेरा लॉजिक बात कर रहा है या मेरा लॉजिक कह रहा है ये फिल्म डबल डिजिट में तो जाएगी जाएगी, लेकिन डबल डिजिट में कितना जाएगी ये मैटर करता है, डबल डिजिट यानी कि 10 करोड़ के ऊपर तो आराम से कमाएगी ये फिल्म। और फिलहाल जो सिनारियो नजर आ रहा है, ये फिल्म का जो रेंज नजर आ रहा है मुझे फर्स्ट डे का, वो करीबन 15 से 20 करोड़ के बीच का रेंज नजर आ रहा है। एज आई कांट प्रेडिक्ट प्रॉपरली राइट नाउ, बट जो अंदाजा दिख रहा है, जो चीजों को दिख रहा है या जो रिस्पॉन्स दिख रहा है पब्लिक का, फैंस का, तो उससे 15 से 20 करोड़ तक का ये ग्रॉस कलेक्शन, लेट मी टेल यू अगेन, ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी होगा फिगर्स, आपको क्या लगता है कितना ये फिल्म फर्स्ट डे कमाएगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो शाम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट द मेनिया बिगिन, लेट द महाशिवरात्रि फेस्टिवल बिगिन, एंड लेट डी बॉस रूल द बॉक्स ऑफिस ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, सॉरी इन तेलुगु सर्किट, लेट मी टेल यू क्लियरली। चलिए, बाय बाय।